गाइस फाइनली यार सूरज भैया को टाइम मिल गया है वीडियो बनवाने के लिए। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे पीसी यहाँ पे लगा दिए हैं और बैक साइड में भी काफ़ी रखे हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं। तो सूरज भैया इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने वीडियो के लिए? एक्चुअली काफ़ी सिस्टम इस टाइम पे थे नहीं रेडी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे कि थोड़े बहुत सिस्टम की बनाए कोई फ़ायदा नहीं है। और मार्केट भी कुछ ऐसी अच्छी नहीं चल रही थी उस टाइम पे कि समझ ही नहीं आ रहा, रेट ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं। अभी क्या है कि सब सस्ता हो रहा है, हाँ, तो स्टार्ट हो चुका है सस्ता होना, तो अभी ले सकते हैं सिस्टम्स, इसलिए अब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा सूरज भाई इस टाइम पे जो प्राइसेस कम हो रहे हैं, हाँ, तो वो आगे और भी कम होने वाले हैं क्या? MSRP पे मिल जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी जो प्राइसेस है वो MSRP पे आ चुके हैं। अगर आप देखें 3060 को तो राइट नाउ 41 से लेके 43 के बीच में मिल रहा है ऑलमोस्ट क्लोज टू MSRP है। हाई एंड कार्ड्स तो MSRP से नीचे भी मिल रहे हैं। अगर आप 3080 को देखेंगे तो 85 आ चुका है ऑलरेडी। 3080 Ti भी 1 लाख में आ चुका है, 1,10,000 में आ चुका है ऑलमोस्ट। अब इस प्राइसिंग पे मिलने लग गए हैं, लेकिन सिर्फ 30 सीरीज के कार्ड्स ही सस्ते हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि 1650 या 1660 सस्ता हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो उसी रेट पे है, अभी भी सेम रेट पे है। अगर 1050 Ti या 1650 आप नया देखेंगे तो अभी वो 20,000 से ऊपर ही है, अभी वो उनका रेट कोई कम नहीं है। सिर्फ 30 सीरीज के हाई एंड कार्ड्स का रेट कम है, लेकिन बाकी कॉम्पोनेंट्स का कार्ड्स मतलब बाकी पीसी कॉम्पोनेंट्स जो भी है, बोर्ड, CPU, रैम, एक्सवाई कुछ भी हो, सब कुछ बहुत अच्छे प्राइसिंग पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस पे मिल रहा है। अगर इंटेल का i9 12th जनरेशन भी देखेंगे तो वो भी 52, 53 में अब देखने को मिल जाएगा। पुराने चिपसेट, राइजन के चिपसेट, सब कुछ अब एकदम अच्छे रेट पे है। अगर किसी को हाई एंड सिस्टम बनाना है, बेस्ट टाइम है बनाने का। जरूरी नहीं कि आगे रेट और गिरे, बढ़ भी सकते हैं। तो अगर किसी को सिस्टम लेना है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। और हाँ, जहाँ तक बात है बेसिक कार्ड्स की, तो बेसिक कार्ड्स में हमारे हमेशा रिफर्बिश्ड ऑप्शन है ही कि जो आपके बजट को एकदम सही रखेगा। ठीक है, मतलब जो लोग हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं या थोड़ा बहुत अच्छा पीसी बिल्ड कर रहे हैं, वो लोग 30 सीरीज के कार्ड अभी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रेट है। और उनसे भी नहीं है, मतलब अगर मान लो कोई बेसिक भी ले रहे हैं तो 1050 Ti, 1060, 1070, 1080, 2060 इनका भी रेट रिफर्बिश में अच्छा हो गया है, गिर गया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें अगर 1060 6GB को, तो पिछले ही हफ्ते या 2 हफ्ते पहले वो था आपका 22-23 हज़ार रुपए का। राइट नाउ 1060 6GB भी 15-16 हज़ार का रेंज में आ गया है 15-16 में। हाँ यस, और सेकंड हैंड आपको पता ही है कि हम अपने सिस्टम के साथ 1 साल की गारंटी देते ही हैं, तो बेफिक्र होकर सेकंड हैंड कार्ड आप परचेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बाकी जो पीसी के कंपोनेंट्स होने वाले हैं जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गई, ये तो नहीं होंगे ना राइट नाउ? हाँ राइट नाउ मैं आपको सब बताता हूँ। जैसे कि अभी जो मैंने सिस्टम बना रखे हैं काफी सारे, सब रेंज के हैं, 20, 25, 30,000, 50, 60, 70 जो भी लेना हो आपको। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स नए हैं, कुछ कंपोनेंट्स सेकंड हैंड है। मैं आपको पर पीसी वाइज दिखाऊंगा कि क्या नया है क्या पुराना है, और नया कैसे बनाना है, पुराना कैसे होगा, कैसे डीलिंग करेंगे हम लोग, सब आपको वीडियो में बता देंगे। पीसी के स्पेक जानने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि वारंटी के बारे में आप पहले ही बता दो, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं वीडियो स्किप कर करके देखते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं चल पाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से आप एकदम सेकेंड हैंड सिस्टम लेते हैं, हाँ, जिसकी वैल्यू से 20-25 हज़ार रुपए है, 1 ईयर की गारंटी हमारे सारे सिस्टम पे होता है। गारंटी होती है, वारंटी नहीं, गारंटी है। हम कोई रिपेयरिंग कुछ नहीं कराते किसी भी चीज़ की। आपका कुछ भी अगर खराब होता है तो आपको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट मिलेगी, रिप्लेसमेंट ही हो जाएगी, मतलब रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि आप सिस्टम लेके आ रहे हो फिर मैं आपको ये कहूँ कि 10 दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्पेशल केसेस में, जैसे कि आपको कोई कार्ड फिजिकल डैमेज हो गया या कोई कार्ड वाटर डैमेज है, उस केस में आपको छोड़ना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आपको इंस्टेंट रिप्लेसमेंट मिलेगा, कोई भी चीज़ हो, कोई रिपेयरिंग नहीं, इंस्टेंट रिप्लेसमेंट है सेकंड हैंड सामान की। ठीक है, और वारंटी एक्सटेंड भी हो जाती है, 1 साल की गारंटी ऊपर से आप एक्सटेंड करा सकते हैं। जो भी चार्जेस सिस्टम के हिसाब से होता है, आप 10 साल की गारंटी लेना चाहें सेकंड हैंड सिस्टम में, 10 साल तक की भी गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एक्सटेंड होगी उसके बारे में बताइए। पर ईयर का प्राइसिंग लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक सिस्टम 10,000 रुपए का, आप एक बेसिक सिस्टम ले रहे हैं, तो 11,000 में, 10,000 में 1 साल ऑलरेडी है, 11,000 में 2 साल, 12,000 में 3 साल, 14,000 में 5 साल, इसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से 1060 6GB परचेस कर रहे हैं, जो कि मैं सपोज करिए 15,000 का बेच रहा हूँ। अगर आपको चाहिए मेरे को नहीं 1 साल में, नहीं मेरे को 2 साल की गारंटी के साथ चाहिए, तो 16,000 3 साल में चाहिए, 17,000 4 साल में, 19,000 5 साल में, 20,000। प्रोडक्ट की वैल्यू पे मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम 1,000 रुपीज ही है। अगर मान लीजिए कोई हाई एंड कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल 1080 Ti या फिर ऐसा कोई 2080 Ti है जो आउट ऑफ वारंटी हो गया, उस पर थोड़ा सा ज्यादा है। सिस्टम पे ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज ही रहता है। ठीक है, तो मतलब ये अच्छी चीज है, वारंटी एक्सटेंड भी हो रही है। Yes. और आपकी तरफ से फुल सपोर्ट रहने वाला है। बिल्कुल हाँ, तो सपोर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी कस्टमर्स आते हैं, तो आप रिव्यू देख सकते हैं। हाँ, यही होगा कमेंट्स की नहीं फोन उठा पाते, बट हाँ रिप्लेसमेंट वारंटी में इस चीज में आपको कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप आइए, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट लीजिए। ठीक है, और वैसे फोन कॉल से अच्छा है कि लोग व्हाट्सएप कर दें तो आंसर मिल जाएगा। हमेशा रिप्लाई है व्हाट्सएप पे, हमेशा रिप्लाई है। दिन में बिजी होते तो फोन नहीं उठा पाते कई बार, तो इस चीज के लिए सॉरी, बट हाँ रिप्लाई हमेशा मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, और काम आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा सूरज भाई, हो सकता है कि बहुत सारे लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी, या फिर आपकी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो उनको इतना नहीं पता होगा शॉप के बारे में या शॉप की डिटेल्स के बारे में, एड्रेस के बारे में, तो थोड़ा वो भी बताइए। अपने फर्म का नाम है सूरज टेक्नोलॉजीज, और नेहरू प्लेस में अपना ऑफिस है। सत्यम सिनेमा के जस्ट पीछे, नेहरू प्लेस में सबसे फेमस लोकेशन है सत्यम सिनेमा। ठीक है, जस्ट उसके बैक साइड में बिल्डिंग है दोहिल चेंबर। दोहिल चेंबर में 3rd फ्लोर 303 सूरज टेक्नोलॉजीज में आना आपको। ठीक है, और ये नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन के पास में ही ना, अपोजिट है। नेहरू प्लेस का जो मेन मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट अपोजिट है ये। नेहरू प्लेस में भी 2 मेट्रो है, जो पुरानी वाली मेट्रो उसके जस्ट सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एड्रेस कवर कर लिया है। एंड थोड़ा आप अपने फर्म के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मतलब लोगों को मिलती हैं। बेसिक से लेकर हाई एंड से हाई एंड, गेमिंग सिस्टम, नॉर्मल सिस्टम, हर तरह के सिस्टम ये डील करते हैं। नया हो, पुराना हो, पीसी के कंपोनेंट्स हो, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कुछ भी, सेकेंड हैंड और नया दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, और लैपटॉप वगैरह तो नहीं करते नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में डील करते हैं, लैपटॉप का भी अपना नहीं। ठीक है, अच्छा अगर किसी को वर्क स्टेशन, पीसी वगैरह बनवाने, वो सब एवरीथिंग अवेलेबल। इनफैक्ट अगर आप हमसे सिस्टम लेते हैं तो आपका आफ्टर सेल सर्विस भी हम ही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से सेकंड हैंड सिस्टम नहीं ले रहे, आप एकदम ब्रांड न्यू सिस्टम ले रहे हैं, उस केसेस में क्या होता है कि आपके हर एक कंपोनेंट की ब्रांड से वारंटी होती है। तो सपोज करिए आपका एक रैम खराब हो गया, तो आपको डायग्नोस नहीं कर पाएंगे कि आपका रैम खराब है। अगर आप अपना पूरा सिस्टम लेके किसी सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस सेंटर आपको एंटरटेन नहीं करेगा, वो आपको मना कर देगा कि हमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट ला के दीजिए। अब कोई एंड कस्टमर या जिसको इतनी नहीं है नॉलेज, वो कैसे डायग्नोस करेगा? तो आपको इस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए, आप सीधा सिस्टम हमारे पास लाइए, सर्विस सेंटर जमा कराना और रिप्लेसमेंट कराना वो सारी हमारी हेडेक है। तब आपका सिस्टम भी बंद नहीं रहेगा, आपको एज अ यूज करने के लिए आपको बैकअप प्रोडक्ट भी हम देंगे। उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है, हम सर्विस प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि आपको हमारी सर्विसेज खरीदनी पड़ेगी कि अगर आपको ये चीज़ें लेनी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो यहाँ पे विजिट कर लेंगे, एड्रेस हमने बता दिया है। बाकी जो लोग लखनऊ से और भी कहीं दूर से हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया अपनी सर्विसेज है, आप कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना रिक्वायरमेंट्स भेजिए, क्वेरी भेजिए, आपको स्पेसिफिकेशन हिसाब से हम भेज देंगे। ठीक है, अपना पेमेंट एडवांस है, सीओडी हम नहीं करते हैं। इस चीज़ की थोड़ा सा है कि कस्टमर्स की रिक्वेस्ट कि हम सीओडी करें, लेकिन सीओडी पॉसिबल नहीं है जहाँ तक, क्योंकि सीओडी पिकअप में जहाँ सिस्टम पहुँच जाएगा 3-4 दिनों में, सीओडी पिकअप में ही हफ्ता लग जाता है, तो इसलिए हम सीओडी के नहीं करते। ठीक है, बाकी ऑल के लिए आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं, ये सब कुछ आपका ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, और फ्री है या कुछ चार्जेस है उसके? नहीं, ऑफ कोर्स चार्जेस हैं। अगर जैसे कि आप इस साइज का सिस्टम मंगवाते हैं, लाइक अगर ये सबसे छोटा सिस्टम है, आप ये मंगवाते हैं 100 रुपए में पहुंच जाएगा, तो इसके तो हम चार्ज वैसे नहीं लेते। अब मान लीजिए ये सिस्टम है तो ये आपका 300-400 में डिलीवर हो जाता है। ठीक है, आपका इस तरह का सिस्टम है 500 में डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सपोज करिए ऐसा हाई एंड कोई सिस्टम कराना है तो 1000-1200 रुपये डिलीवरी लगती है, डेफिनेट है, वो कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड बाय चांस अगर शिपिंग में कुछ टूट फूट जाए, मेरी गारंटी है अगर कुछ भी टूटता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मेरी तरफ से मिलेगा। टूटने की, डैमेज होने की, खो जाने की सारी गारंटी मेरी है। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो बनानी पड़ेगी ना पहले अनबॉक्सिंग की, जैसे आप अनबॉक्स करोगे। इतना कोई इशू नहीं है, हम अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट करते हैं। क्या बात है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी डिटेल्स हो सकती थी हमने बता दी। बाकी अगर आपको और भी कुछ इंक्वायरी करनी है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एड्रेस भी। तो फिलहाल अभी हम लोग डायरेक्टली प्राइसिंग की तो बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे पास सबसे बेसिक सिस्टम अवेलेबल है वो होते हैं i3 3rd जनरेशन से हमारी स्टार्टिंग है। उस पर भी 1 ईयर की गारंटी होती है। 8,000 रुपये से सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा मशीन i3 3rd Gen, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क और 1 ईयर की गारंटी इंक्लूडिंग द कीबोर्ड एंड माउस एंड ऑल। ठीक है, 8,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। LCD इसमें इंक्लूडेड नहीं है, LCD आपको अलग से परचेस करनी पड़ती है। सिर्फ सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 8,000 से स्टार्टिंग है। 8,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक ही काम करना है बट आप चाहते हैं सिस्टम थोड़ा सा तेज हो मेरा, तो आप रैम 8GB करा के SSD ऐड ऑन करा सकते हैं, तो 11-12 में आपका सिस्टम हो जाएगा और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और बेटर कराना चाहें i7 3rd लगवा सकते हैं, i5 3rd लगवा सकते हैं। उसमें 2GB का बेसिक ग्राफिक कार्ड ऐड ऑन कराते हैं तो 15-16 में ये हो जाएगा। उससे ऊपर चलें 20,000 के रेंज की तरफ तो आपका i5 7 जनरेशन i5 6 जनरेशन रैम ग्राफिक कार्ड के साथ ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम रेडी भी है, अगर आप ये देखें तो इसमें i5 का 6 जनरेशन है, H110 मदरबोर्ड है, 16GB रैम है, 240GB की SSD है, 500GB की हार्ड डिस्क है। कैबिनेट और सप्लाई हमने एकदम मिनिमल नॉर्मल रखा है कि स्पेक्स पे फोकस हो सके। तो 20,500 में ये सिस्टम है, अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन है, 16GB रैम भी, SSD हार्ड डिस्क सब कुछ है। तो 20,000 में वन ईयर गारंटी के साथ ये सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए सही है ना ये नॉर्मल घर का अच्छा खासा काम भी करा सकते हैं आप इस पे, क्योंकि ठीक जनरेशन है और पढ़ाई का, ऑनलाइन क्लासेस, एक्सेल वगैरह सब कुछ काम ये कर लेगा। अच्छा, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग हो जाएगी इसके ऊपर। वीडियो एडिटिंग के लिए आपको इसमें एटलीस्ट, देखिए वीडियो एडिटिंग का इससे मतलब नहीं है, स्पेक्स ही अच्छी है। आप स्पेक्स चाहे i5 3rd जनरेशन ले लीजिए, उसमें आपको अगर 2GB का ग्राफिक कार्ड ऐड कर लेंगे GT710 तो उसमें वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। वो सिस्टम आपको 12-13 का बैठता है, इसमें डिफरेंस ये है कि अगर इसमें ही वो कार्ड ऐड करेंगे तो ये थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड डेफिनेट है। आप सिस्टम डजंट मैटर, आप i5 3rd जनरेशन लें या फिर i5 12 जनरेशन लें, ग्राफिक कार्ड आपको हमेशा लगाना ही पड़ेगा वीडियो के काम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पीसी के बारे में। तो अगर इससे ऊपर चलें तो आपका i3 8th Gen की मशीन है, सस्ती है, 16,000 की सिर्फ मशीन है। i3 8th है, 8GB रैम है, 256 SSD है, 5GB हार्ड डिस्क है। ये मशीन भी ले सकते हैं बेसिक काम के लिए, इस हिसाब से ये भी अच्छा है। अब इसके बाद हम चलेंगे हाई एंड सिस्टम, गेमिंग सिस्टम की तरफ। ठीक है, गेमिंग सिस्टम सबसे पहला आपको दिखाते हैं ये i3 10 जनरेशन। अब जैसे कहने को ये भी सेकेंड हैंड सिस्टम है। i3 10 जनरेशन MSI का H410 मदरबोर्ड है, 8GB की DDR4 रैम है, 256 की NVMe है, 1050Ti ग्राफिक कार्ड है, पावर सप्लाई, कैबिनेट है, सब कुछ है। अब ये भी है सेकेंड हैंड, बट इस पे सिर्फ ग्राफिक कार्ड को छोड़ के हर एक चीज़ पे आपको 3 इयर्स की वारंटी ऑफिशियल मिलेगी। आप चाहे कहीं से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसकी वारंटी मेरे से लेनी है। सिर्फ इसमें कार्ड सेकंड हैंड है और बाकी सब कुछ एकदम नया सामान है, बट हाँ खुला हुआ है कह सकते हैं आप। ये इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन है, i3 10 8GB 240 5GB हार्ड डिस्क, 1050Ti और गीगाबाइट की 5.5 वाट PSU कैबिनेट, और ये 3 ईयर वारंटी ऑन एवरी कॉम्पोनेंट। ठीक है, और 36,000 में सिर्फ सिस्टम है, पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग द 1050Ti। अगर आप सिर्फ 1050Ti की कॉस्टिंग देखें नई की तो 20,000 रुपए के आसपास की है। तो सिर्फ 16,000 में आपको पूरा सिस्टम मिल रहा है अगर आप एक तरह से देखें तो। जस्ट बिकॉज कि आप एक ग्राफिक कार्ड यूज करें तो आप कॉम्पोनेंट्स पे पैसे अच्छे स्पेक्स पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो एक तरीके से न्यू हैं या खाली ओपन बॉक्स हैं? सिर्फ ओपन बॉक्स दिए आप, क्या ये समझिए, मान लीजिए 3 साल की पूरी वारंटी है तो आप कैसे इसको पुराना कहेंगे? हाँ सही है, मतलब ये न्यू ही है, ओपन बॉक्स है, नया भी नहीं कह सकते क्योंकि डब्बा पैक नहीं है। यस, इसलिए बस इसलिए ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा बेसिक सिस्टम, बट ये भी एक अच्छा खासा गेमिंग है। ये सिर्फ 25,000 रुपये का सिस्टम है, इसमें i7 3rd है और 8GB की रैम है, 128 SSD है, 5GB हार्ड डिस्क है, 600 वाट की पावर सप्लाई इसमें है और ग्राफिक कार्ड इसमें 750 Ti है। इसलिए पूरा सिस्टम 25,000 रुपये की वारंटी में, सॉरी 1 ईयर की वारंटी में 25,000 रुपये का है। अब बात यह कि ये सस्ता क्यों है, क्योंकि इस पर कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैं मतलब बोर्ड, प्रोसेसर और रैम और ग्राफिक कार्ड, कैबिनेट, पावर सप्लाई इसमें भी ब्रांड न्यू है, बट बोर्ड और प्रोसेसर जो मेन कॉम्पोनेंट्स है, अब क्योंकि i7 3rd जनरेशन डिसकंटिन्यूड हो चुका है तो नया तो मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगी। हमारी तरफ से आपको 1 ईयर की गारंटी है, अगर उसके आप एक्सटेंड करना चाहे तो करा सकते हैं। बट हाँ, जिसका सिर्फ 25,000 बजट है और गेम खेलना चाहता है तो बहुत अच्छा सिस्टम है। इस रेंज में भी अगर सारी गेम चला देता है, ये GTA 5, PUBG, Free Fire तो बहुत इजीली चला देता है। ठीक है, तो 750Ti इसके अंदर है, वो शायद 5 से 6,000 रुपए का एडेड होगा। आप उसको हटवाइए तो आपका सिस्टम 20,000 रुपए का, उसमें 1050Ti लगवा लीजिए तो और अच्छा सिस्टम हो जाएगा। 1060 6GB लगवा लीजिए, तब तो और भी बेटर सिस्टम हो जाएगा। तो 1060 6GB इस सिस्टम में अगर आप सपोज करो 15,000 का भी ऐड करते हैं तो 35,000 में काफी अच्छा सिस्टम है। सारी गेम्स एकदम स्मूथली चलती हैं और मतलब इस पे वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद चलते हैं, एक राइजन का बेसिक बिल्ड है। ये आपका राइजन का A320 मदरबोर्ड, राइजन 3 1200, 16GB रैम, 250 SSD, 1TB हार्ड डिस्क, 1050Ti कैबिनेट सप्लाई एंड 1050Ti इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये भी 36,000 का सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि बोर्ड, अब जैसे मैंने बताया कि 1 ईयर गारंटी और एक i3 10th का सिस्टम था 3 ईयर गारंटी, ये बीच की चीज है। इसमें सारी चीजों पे 1.7 ईयर्स की वारंटी रहती है। कार्ड की 1 ईयर ही है, बट बाकी चीजों की 1 ईयर से थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि ये यूज सिस्टम है। हाँ, यूज सिस्टम है, किसी कस्टमर ने इसको 1-1.5 साल चलाया एंड देन रीसेल कर दिया, तो अब इसमें ऑफिशियली कंपनी से वारंटी रहती है। तो ये भी ऑप्शन अपने पास है, जरूरी नहीं कि या तो पूरी ही होगी या तो फिर सिर्फ मेरे से ही होगी। 1 ईयर तो सब पे मिनिमम है ही, मिनिमम उससे ऊपर आपके कई सिस्टम पे और भी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा रीसेल से एक चीज ध्यान आई कि जैसे अगर आपसे कोई सिस्टम लेके जाता है तो वो रीसेल भी कर सकता है ना, बेच सकते हैं। यस डेफिनेटली, आप मेरे को बेच दीजिए और आप दोबारा अपग्रेड करा लीजिए, सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, सपोज कीजिए किसी ने एक 20,000 का बिल लिया आपसे, तो आप कितने में ले लोगे सब वापस एक साल के अंदर? कितने अगर एक साल बाद बेच रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी कि कूड़ा हो जाए, तब भी वो 12 से लेकर 15,000 के बीच में डेफिनेटली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई एक ही सिस्टम लेके गया और मैंने उनको बोला कि हाँ भैया इसमें ये चीज़ें चलेगी, और इन केस उनके वहाँ जाके नहीं चलती है, उनको पसंद नहीं आता, तो 15 डेज का अपने पास बायबैक गारंटी है कि अगर आपको सिस्टम पसंद, क्योंकि देखिए मेरे कहने से या फिर किसी सबको नहीं पता कि सिस्टम कैसा है, और मेरे कहने से भी ऐसा कुछ नहीं होता कि मान लो मैं कह दूं और ऐसा वो एकदम सच्ची सच्चा है। तो खुद लेके जाइए सिस्टम, आप एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक यूज करिए, आराम से चेक करिए, अगर पसंद आए तो रखिए, अदरवाइज आप रिटर्न कर सकते हैं सिस्टम को, क्योंकि रिटर्न ही कर लोगे ना। हाँ यस, पूरी ऐसा नहीं कि आप रिटर्न लेके वो कुछ और लेके जाओ, जरूरी नहीं है, नहीं पसंद आया पूरे पैसे रिटर्न, पूरे के पूरे पैसे रिटर्न, कोई डिडक्शन नहीं, ठीक है। यस, क्योंकि किसी को भी सिस्टम देख के नहीं समझ आता, सही बात, वो यूज करे देन खरीदे, तो ये भी बात है आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये काफी अच्छी चीज है और शायद ही कोई नहीं देता ये चीज पूरे मार्केट, पूरे नेहरू प्लेस में, पूरे इंडिया में ये कोई नहीं दे सकता ये चीज है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट बिल्ड के बारे में। हाँ, ये एक आपका i7 4790K का बिल्ड है, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड सिर्फ इसमें यूज्ड है, बाकी सारी चीजें आपकी एकदम ब्रांड न्यू है, कैबिनेट, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ एकदम नया है, ग्राफिक कार्ड और वो सब पुराना है। तो ये सिस्टम की जो कॉस्टिंग आपकी 40,000 रुपए का ये सिस्टम है, और हाँ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड हैंड में काफी एक अच्छा सिस्टम है, क्योंकि 4790K है और रैम भी अच्छी है और बोर्ड भी Z97 चिपसेट का लगा हुआ, तो ये भी एक है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर चलते हैं तो एक ये बिल्ड है अपने पास, ये है 3200G का बेसिक बिल्ड, ऑल पूरा ब्रांड न्यू, सब कुछ पे 3 साल की ऑफिशियल वारंटी, और सिर्फ 25,000 में। रैम है 8GB 500GB की, M.2 है 5GB की, हार्ड डिस्क है, सप्लाई 600 वाट एंटी स्पोर्ट्स की है, कैबिनेट भी एंटी स्पोर्ट्स की, 211 TG है ये, और A320 गीगावाइट का मदरबोर्ड है, पूरा सिस्टम इन सब कुछ न्यू है इसके अंदर, ये सब कुछ न्यू, सब चीज़ों पे 3 साल की वारंटी। तो अगर किसी को APU बेस्ड बिल्ड चाहिए तो ये भी है, मतलब ओपन बॉक्स है ना बस ये, लेकिन बाकी है बिल्कुल न्यू। यस, 3 साल की आपको ऑफिशियल वारंटी मिलेगी, लेकिन ये नया नहीं है, नया सिस्टम भी हम बिल्ड करते हैं नया, लेकिन सिर्फ वही होगा जो आपके सामने हम बॉक्सेस खोल के देंगे, डेफिनेटली वही नया होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई न्यू ले रहा है तो उसको न्यू सामान ही मिलेगा ना, कोई न्यू बोलेगा तो डेफिनेटली उनको नया ही सामान मिलेगा। ये तो आप आओ, अगर आपको रिफर्बिश चाहिए, जैसे कि आप अगर प्राइस कंपेयर करें तो न्यू और सेकंड हैंड में काफी डिफरेंस है, हाँ। और ये डिफरेंस इसीलिए क्योंकि ओपन बॉक्स प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि मैं एकदम नया खोल के इतने में बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई हो पाएगी, कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता ये चीज। डेफिनेटली सामान ओपन बॉक्स है, 1-2 महीना यूज्ड है, ये मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ ये है सच में, तो इसलिए हाँ। लेकिन पावर सप्लाई, कैबिनेट, रैम, ये सब चीजें नहीं, सिर्फ बोर्ड और प्रोसेसर यूज है। नेक्स्ट बिल्ड पे आते हैं, ये अभी बन रहा है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें आपका MSI का Z170 मदरबोर्ड है, i7 6700K है, 16GB रैम है, 1TB हार्ड डिस्क है, 240mm कूलर मास्टर का AIO है, Ferrar 1 कैबिनेट है, 38,000 में बिल्ड है i7 6700K का, ठीक है, मतलब सही है। हाँ, अब इस बिल्ड को आप देखिए, सिर्फ मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर ही यूज्ड है, बाकी सारी चीजें एकदम ब्रांड न्यू लगाई हुई है, बाकी सारी चीजों पे आपकी ऑफिशियल वारंटी रहती है। सिर्फ बोर्ड प्रोसेसर पे आपको मेरी साइड से 1 ईयर की गारंटी मिलेगी, लेकिन बाकी चीजों पे आपको, सब चीजों पे 3 साल की या 5 साल की, व्हाटएवर जो भी वारंटी आती है कंपनी से, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बिल्ड पे आते हैं। नेक्स्ट बिल्ड है आपका ये i5 9400F का, 8GB रैम, 3 ईयर्स वारंटी, पूरा 1050Ti के साथ का बिल्ड है, 41,000 में इंक्लूडिंग 1050Ti i5 9th, नया बिल्ड, 3 साल की गारंटी वाला बिल्ड। हाँ, ग्राफिक कार्ड 1 ईयर वारंटी, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी सारे न्यू कंपोनेंट। यस, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इस टाइम नया लागे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, और ये भी है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि यही सिस्टम नया बनाए तो इतने बन जाए, नहीं, महंगा बनेगा, डेफिनेटली महंगा बनेगा, 40,000 में 9th का सिस्टम, सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड के साथ भी नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बना सकता। अब इसकी तरफ चलते हैं, ये एक यही सेम i7 3rd वाला बिल्ड है, और बस इसमें थोड़ा सा हमने कैबिनेट और मदरबोर्ड चेंज है, तो इसका ये स्पेसिफिकेशन है, इंक्लूडिंग 1050Ti है ये भी, और 33,000 में आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा ये i7 3rd gen है, 16GB रैम विद 1050Ti के साथ, हाँ, में। यस, ठीक है। ये अब एक नेक्स्ट बिल्ड है, ये AMD FX का बिल्ड है, थोड़ा सा पुराना जनरेशन का CPU है बस, बट इसमें हमने AMD का 8GB का ग्राफिक कार्ड इंक्लूड किया हुआ है। किसी को अगर नए पुराने से मतलब नहीं है, सिर्फ उनको रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, एडिटिंग की परफॉर्मेंस चाहिए, मिक्सिंग की परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसमें AMD FX का 9370 प्रोसेसर है, 8 कोर का, 5GB हार्ड डिस्क, 5GB NVMe, 1TB हार्ड डिस्क, R9 398GB ग्राफिक कार्ड, लिक्विड कूलर, सब कुछ लगा के ये सिस्टम आपको 45 का पड़ जाएगा, ठीक है। कैबिनेट वगैरह, सप्लाई सब नया है, बोर्ड, CPU, रैम एंड ग्राफिक कार्ड पुराना है, ठीक है। हाँ, एंड नेक्स्ट बिल्ड i7 8700K का ये बिल्ड है, Z390 गेमिंग प्रो कार्बन मदरबोर्ड है, 16GB की ARGB रैम है, 1TB NVMe, 1TB हार्ड डिस्क। ये वाले सिस्टम में बोर्ड और प्रोसेसर 1 साल यूज रहे हैं, तो 2 साल की वारंटी है, 50,000 में आपको पूरा सिस्टम मिल रहा है। ग्राफिक कार्ड आपको इसमें अपने हिसाब से ऐड ऑन करना है, ठीक है। मतलब ये बिना ग्राफिक कार्ड, ये बिना ग्राफिक कार्ड 50,000 थोड़ा हाई एंड सिस्टम है ये। आप इसमें अपने हिसाब से 3060, 3070, 3060 ये कुछ भी ऐड ऑन करा सकते हैं, काफी अच्छा बिल्ड बन जाएगा। अच्छा भाई ये और बताइए कि जैसे अगर किसी को अपना फुल पीसी बिल्ड चाहिए, उसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, गेमिंग हेडसेट सब कुछ चाहिए, सब कुछ है, तो देखिए मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड हैंड सिस्टम ले रहे हैं, आपने सपोज करो एक 30,000 का सिस्टम पुराना आपने सोच लिया, आप चाह रहे हो कि मॉनिटर भी सेकंड हैंड मिल जाए, तो डेफिनेटली अपने सेकंड हैंड मॉनिटर मिल जाते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं 19 इंच का, 20 इंच का, 22 इंच का, 24 इंच का। कभी कभी माल अच्छा भी बहुत सारा अवेलेबल होता है, कभी कभी ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं अवेलेबल होता सेकंड हैंड में, तो वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है अब। और हाँ ये भी ऑप्शन है कि कोई बंदा सिस्टम तो पुराना ले रहा है लेकिन वो कहे कि LCD है मेरे को नहीं चाहिए, तो वो भी अपने पास आप 144 हर्ट्स, 240 हर्ट्स, हाई एंड से हाई एंड मॉडल, बेसिक से बेसिक मॉडल अपना एसर का, LG का, सैमसंग का 144 हर्ट्स, 2K, सैमसंग ओडिसी G9 कुछ भी लेंगे, हर एक ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन अपने से अवेलेबल है, हर तरह का जो भी आप सेट चाहें सब अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा भैया कीबोर्ड, माउस ये सब भी मिल जाएगा ना? हाँ देखिए मैं बताता हूँ, वैसे तो होता है हमारे पास कीबोर्ड माउस, आपके चैनल से अगर कोई देख के आता है तो बेसिक कीबोर्ड माउस हम हर सिस्टम के साथ फ्री दे देंगे कस्टमर को, मतलब कोई सभी सिस्टम लेगा उसको फ्री है, उसको एक कीबोर्ड माउस बेसिक फ्री है आपके सिस्टम के लिए, ठीक है। और वैसे अलग से अगर आपको चाहिए कि हाँ RGB चाहिए तो आप डेफिनेटली कोई से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो मैकेनिकल कीबोर्ड वगैरह आते हैं वो भी मिल जाएंगे अपने, जैसे हाई एंड कीबोर्ड है, रेजर के हैं या फिर आपका कॉर्सर के हैं, अगर हाई एंड है लाइक 10-12 हज़ार के हैं तो अपने वो भी सेकंड हैंड में 4-5 हज़ार में मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब वो यूज भी मिल जाएंगे, न्यू भी मिल जाएंगे, डेफिनेटली, ठीक है। अच्छा सूरज भाई एक बात और बताइए, जैसे आप यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो, ये यूज ग्राफिक कार्ड होते हैं, ये मतलब कहाँ से यूज होते हैं? मतलब किसी ने गेमिंग पीसी में लगाए थे या फिर किसी ने माइनिंग में यूज करें? हाँ ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए नहीं माइनिंग के नहीं है ये, अब क्योंकि माइनिंग के कार्ड्स में लाइफ कुछ खास नहीं रहती है, तो इसलिए मैं कैसे गारंटी दूंगा, कैसे वारंटी, मेरे को तो गारंटी देनी है। सपोज करिएगा मैं माइनिंग वाला कार्ड बेचता हूँ और वो एक महीने बाद खराब हो जाता है, तो मुझे तो अब पूरे पैसे का एक नया कार्ड देना पड़ेगा ना, तो इसलिए माइनिंग वाला कार्ड नहीं, जो कस्टमर्स अपग्रेड कर लेते हैं, ठीक है, तो मतलब वो कार्ड है, यस वो वाले कार्ड होते हैं, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई अपग्रेड करके नया बनवाता रहता है, तो ये वो वाले कार्ड है। मैं क्या सेकंड हैंड हर जगह से ऑल इंडिया से खरीदता रहता हूँ, देन वो बेचता हूँ। माइनिंग के कार्ड्स में भी तो ये होता है कि अगर आप सपोज करिए, हाँ ऑफिशियल वारंटी वाले माइनिंग कार्ड भी हम अगर मान लो जो है बेचते हैं, डेफिनेटली बेचता हूँ, क्योंकि ऐसे झूठ बोलूं फायदा नहीं है। मान लीजिए जब कोई 2060 सुपर या 1660 सुपर कार्ड है, किसी ने माइनिंग करी 6 महीने, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं है, फिर मैं क्या करता हूँ सर्विस सेंटर से मैं रिप्लेस करा लेता हूँ और उसको भेजता हूँ, उसके बाद वो कार्ड एकदम दोबारा एकदम फ्रेश टू लाइफ एकदम नए कंडीशन में हो जाता है, ठीक है। 1050 Ti, 1060 है, ये वाले कार्ड माइनिंग के नहीं होते क्योंकि ये तो बहुत बेसिक कार्ड है, इन पे माइनिंग करके किसी को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। हाँ लेकिन हाई एंड कार्ड है, सपोज करिए मान लीजिए मैं भी बेच रहा हूँ, तो मैं भी बेचता ही हूँ 2080 का अगर किसी को चाहिए अब, लेकिन अगर 250 वारंटी पड़ी है, 200 वारंटी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनिंग में भी ऐसा है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कैसे कार्ड की कंडीशन रखी गई है। मान लीजिए एकदम जंग है कार्ड पे तो ऑफ कोर्स बात है वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर कार्ड की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो अच्छी है, तो वो डेफिनेट चल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि माइनिंग से परफॉर्मेंस कम हो जाती है, नहीं, परफॉर्मेंस कम नहीं होती, डिपेंड करता है सारी बातें कंडीशन में कैसे चले हुए हैं और मतलब कैसे यूज किया उसे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे माइनिंग की बात निकली है तो आप माइनिंग रिग वगैरह बनाते हैं आप? हाँ माइनिंग रिग वगैरह डेफिनेटली बनाते हैं, लेकिन वो इस काम से एकदम सेपरेट काम है। माइनिंग का भी काम है अपने पास, अगर किसी को भी चाहिए तो अच्छे प्राइसिंग पे हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। मतलब वो काम यहाँ पे नहीं है ना नेहरू प्लेस में आपका? यहाँ पे नेहरू प्लेस में नहीं करते, यहाँ तो सिर्फ अपना गेमिंग सिस्टम्स का काम है, क्योंकि मैंने यहाँ मतलब कभी देखा नहीं माइनिंग रिग बनते हुए। इस ऑफिस से माइनिंग कुछ नहीं करते, ना ही कोई काम करते, ना ही माइनिंग का कोई प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एकदम एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा तो वो कहाँ पर है? मतलब वो हमारी फैसिलिटी है कहीं एक जगह पे लगाई हुई हमने, अगर टाइम मिला तो उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो वो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वैसे हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे पीसी कवर कर लिए हैं, एंड जैसे ही सेल आउट हो जाएंगे तो फिर नए पीसी बनेंगे, बनाने पड़ेंगे नए पीसीस के साथ, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो सिस्टम है आपको हमेशा वो मिले। अगर मान लीजिए अभी बिक गया तो नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं मैं आपको एकदम सेम सिस्टम दे पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ मिलता जुलता बना के डेफिनेटली आपको हमेशा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि इससे बेटर डील्स नहीं आते, रोज बेटर डील्स आते हैं, रोज बिकते हैं कि आज मेरे पास सिर्फ i7 8700K तक है, लेकिन मेरे पास i9 12th जनरेशन भी सेकंड हैंड में अवेलेबल होता है, उसके भी सिस्टम होते हैं, हाई एंड सिस्टम भी अपने सेकंड हैंड में अवेलेबल रहते हैं, तो हमेशा हर तरह का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो गाइज वैसे है तो बहुत सारी चीज़ें कवर करने को, लेकिन एक वीडियो में करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मिलेगा, आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है आप लोग डायरेक्टली इनको कॉल कर लेना, कॉल नहीं उठा पाए तो व्हाट्सएप जरूर कर देना, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए।